श्री राजीव प्रताप रूड़ी, माननीय सदस्य संक्षिप्त में। हाँ नहीं महोदय, बहुत ही साधारण सा सवाल है और माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा से उत्तर दिया। महोदय, ये जो एक भ्रांति है कि सिर्फ एक ही संस्था एयर मिस के लिए जिम्मेवार है, कई बार एयर ट्रैफिक सर्विसेज से भी चूक हो सकती है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं, और कई बार पायलटों से भी चूक हो सकती है, और यह नॉन आरवीएसएम स्पेस है, जो टेक ऑफ लैंडिंग के समय ये ज़्यादा मात्रा में होता है। महोदय, भारत के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, और मैं बार बार कहता हूँ कि इनकी चर्चा सदन में नहीं आती है, भारत के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स दुनिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के बराबर है और कई तो उससे बेहतर है, और हमें इस बात की बधाई देना चाहिए कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की गुणवत्ता के कारण जिस प्रकार से पूरा सदन थपथपा रहा है, आज हम सबके जीवन की बड़ी सुरक्षा की जिम्मेवारी उनके पास है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिनके बारे में ना सदन में चर्चा होती है, ना सरकार में चर्चा होती है, और वर्षों से ये मांग किया जा रहा है कि एयर ट्रैफिक सर्विसेज को एयरपोर्ट अथॉरिटी से बाहर निकाला जाए ताकि उनकी अपनी स्वायत्ता हो सके और उनकी गुणवत्ता में सुधार हो सके। आज पूरे भारत में ये मेरा मूल प्रश्न है कि क्या सरकार, क्योंकि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की बड़ी कमाई पहले तक होती थी, जब तक ये एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज नहीं हुए थे, वो एयर ट्रैफिक सर्विसेज की कमाई से ही एयरपोर्ट अथॉरिटी की कमाई का बड़ा हिस्सा आता था। मेरा माननीय मंत्री जी से जानना है कि वर्षों से जो एयर ट्रैफिक सर्विसेज की ये मांग है कि उसको अलग किया जाए एयरपोर्ट अथॉरिटी से, जी, और उनके भी अधिकारी ऊपर के स्तर पर जा सके, जैसे माननीय निशिकांत दुबे जी ने बोला है, ये एक ऐसा महत्वपूर्ण है महोदय कि आपके भी कोटा से जब हवाई जहाज उड़ेगा तो यही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स उसका नियंत्रण करेंगे और सुरक्षित हमें दिल्ली में उतारेंगे। मंत्री जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि एयर ट्रैफिक सर्विसेज को एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधीन से, जो कई रिपोर्टों में दिया गया है, उसे अलग करके इन्हें स्वायत्ता देने का निर्णय कब करेगी सरकार, और हमारी सुरक्षा जो इस पर मैं सरकार से उत्तर जाना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मुझे लगता है कि इस पूरे सदन में सबसे ज़्यादा अनुभव इस विषय का यदि किसी को है तो माननीय सदस्य को है। उन्होंने मंत्री के नाते भी और टेक्निकली एक कमर्शियल पायलट के नाते भी लगातार बहुत वर्षों तक देश की सेवा की है, तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। अभी जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को DGCA जो है वो सर्टिफाई करता है, लेकिन जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, निश्चित रूप से उस सुझाव पर आगे जो है गंभीरता से विचार किया जाना इसकी आवश्यकता।